वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात जमा करा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपए जमा करवाए। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब किया गया है। इस मुतालिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात जमा करा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने अदालत के हुक्म पर 60,000 रुपए जमा कराए और रकम की अदायगी से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत ने 7 अक्टूबर के हुक्मनामे में दो अखबारात में इश्तहार जारी करने की हिदायत की थी। तारिक खोकर का कहना था कि अदालत ने वफाक को अखबारी इश्तहार के लिए फीस जमा कराने की हिदायत भी की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जमा कराए गए खत में इस्तेदा की गई है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इश्तहार जारी करने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को बजरिया अखबारी इश्तहार तलब करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ के बजरिया इश्तहार तलबी का तमाम खर्चा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तहारात की रकम 2 रोज में जमा कराएंगे।